जो इस बार ओडिशा में आया तो ओडिशा में आने से एक कार्यक्रम लेके हम घूमा, मुझे पश्चिम ओडिशा तक जाना था क्योंकि ये जो कोस्टल ओडिशा है यहाँ सर्वत्र सब समय हमारा आना जाना लगे रहता है। पूरी भुवनेश्वर कटक ये सारे का सारा जगह में हम घूमते हैं, लेकिन कभी पश्चिम तट में मेरा जाना इतना संभव नहीं होता। तो इस कार्यक्रम के लिए हम लोग आए थे, ठीक है। तो ये कार्यक्रम जो भी हो इसका फल क्या होगा वो भी मुझे मालूम नहीं। मेरा इच्छा हुआ यहाँ के सारे का कर्मी लोग का सहयोग मिला और हम घूम के गए। मैं जो काम लेके घूमा, आप लोग आराम से बैठ जाइए, कोई हड़बड़ करने का नहीं। सामने में आना है भाई, तुम लोग सामने में आ जाओ तो जगह बनेगा, बना दो। और बक्सा को उद्धार कर दिया गया है, यह बना देने का सुविधा होगा, सब आदमी प्रणाम करके तो स्टैंपिड हो जाएगा। और खुद आ जाओ भीतर में, अचानक एक तो बुद्धि आया कि प्रणाम करना है बाबा जी को, ये आदमी प्रणाम करेगा तो स्टैंपिड नहीं होगा। सबको सुनो, बाद में बैठ जाइए आराम से। तो जगह बनेगा, बच्चे लोग को इधर भीतर ले आओ, ज्यादा नहीं कह दे रहा से जगह भर जाएगा, बस बैठ जाओ भीतर आकर बैठो तो वहां बैठने का सुविधा हो जाएगा। दो साल पहले 2016 में मैं दिखा के लिए यहां आया था, ओडिशा में सफर किया, चारों ओर घूमा, दिखा हुआ और यह भुवनेश्वर में बहुत बड़ा सहयोग मिला। आज एक मेरा बहुत बड़ा सहभाग है, ठाकुर जी का उत्सव चल रहा है भुवनेश्वर में और उसी संयोग से मैं भी पहुंच गया है। ये मेरा परम सहभाग है कि ठाकुर जी का उत्सव के दिन मेरा यहाँ पहुंचना हो गया। ये पहुंचने के लिए मुझे ओडिशा में कम से कम 3-4 हजार किलोमीटर घूमना पड़ा। मैं खाली खाली यहाँ नहीं आया, 3-4 हजार किलोमीटर कई दिन से हम घूमते रहा और घूमते घूमते यहाँ पहुंचे। मैं जो यहाँ पहुंचा इसके पीछे मैं और एक कार्यक्रम लेके घूम रहा था। कार्यक्रम यह था कि यहाँ जो ठाकुर जी का कार्यक्रम चल रहा है सारा ओडिशा में, उसमें हम कुछ चिंतन का एक स्रोत देने की कोशिश किया, क्योंकि नया चिंता और पुराना चिंता में संघात होने से नया कुछ निकलता है, संघात नहीं होने से विवर्तन नहीं होता है। विवर्तन का एकमात्र सूत्र है विज्ञान के अनुसार कि जहां संघात होगा वहां विवर्तन होगा, यानी कि वर्षन होगा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, लेकिन कुछ होगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो मैं मालकानगिरी गया, राउरकेला गया, रास्ता सब बहुत सुंदर था, कहीं कहीं रास्ता का रिपेयरिंग भी चल रहा था, आदमी लोग भी बहुत सहयोग किया, कर्मी लोग भी बहुत सहयोग किया, गुरु भाई लोग बहुत सहयोग किया। हम कहां से ये 9-10 दिन पकड़ पार कर लिए हमको ख्याल ही नहीं चला, शरीर में भी ऐसे कोई थकान सा महसूस भी नहीं किया। इतना किलोमीटर हम चले हैं, अभी बोलने के समय हमको लगता है कि नापना शुरू हो गया कि कितना दूर चले हैं। बोलने के समय हम नाप लिए कि 3-4 हजार किलोमीटर चले होंगे। हम लोग जहां जो लोग है उपस्थित, हम लोग में सबको मोस्टली ऑलमोस्ट या 100% नहीं तो कुछ कम होगा, इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम लोग सब ठाकुर जी का शिष्यत्व है, ग्रहण किए हैं, ठाकुर जी को गुरु अपनाए हैं। ये गुरु ग्रहण करके चलने के लिए हम लोग ठाकुर जी का चरण पकड़ के चले हैं। ठाकुर जी का चरण पकड़ के चलने के लिए हमको कोई कठिन तपस्या का बात नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, एक बहुत साधारण सा बात बोले, बचो ये बचने का कायदा, दूसरे में जलाओ और उसको भी उद्भूत करो, बचो खुद दूसरे को उद्भूत करो उस बचने के पद में, और जैसा हम फल गाछ का खाएंगे तो उसमें कुछ यदि नहीं देंगे, सार पानी आदि नहीं देंगे तो गाछ का फल भी पुष्ट नहीं होगा।
प्याज का देखभाल भी करना पड़ेगा। यदि गाय का दूध पिएंगे, गाय का कुछ चारा नहीं खिलाएंगे तो गाय दूध देना बंद कर देगा। तो मम्मियों का भरपाई करो, यदि तीसरा बात बचो बचो और मंगल का भी भरपाई करो। नहीं हम लोग का पंथा, हम लोग यही पंथा लेके सर्वोच्च समय चलते हैं। इसको पोषा की भाषा में जजन जालन ऋषि भी बोलते हैं। यदि दुनिया में देखें बचना नहीं चाहता है ऐसा इंसान नहीं है, सब में बचना चाहता है, और हम उसको बोलते हैं जजन बच जाओ, खुद सही ढंग से बचो, बचने का कायदा कानून सब अपनाओ और उसी दिशा से चलो। ये जजन ज्यादा मतलब यही जो हम चलते हैं, इसमें सबको प्रेरणा दो, उद्भुत करो कि ऐसा करने से अच्छा होगा। कोई भी है कि ये पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर ने ये बोल देगा ये दवा खा लो अच्छा हो जाएगा। मुंह में तुलसी हुआ है कोई लड़की बोलेगा तो उसका बंधु बोलेगा ये क्रीम लगाओ अच्छा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? हम लोग बोलते हैं ये इसका मतलब ये है कि हम जिससे अच्छा फील किए अच्छा अनुभूति हुआ है उसको दूसरे को भी जता, यही है जजन। सीधा ढंग से बोलो यही जजन है, जजन जानक यही सीधा ढंग से। और तीसरा है इष्ट विधि, मंगल का भरपाई नहीं करके कैसे चलेगा? हम दुनिया में जो है हम लोग का दो ही सत्ता है, एक है स्पिरिचुअल से और एक है मेटेरियल से। ये पानी का जो बोतल है ये मेटेरियल है, ये मैटर है, ये कुर्सी जो है ये मैटर है। स्पिरिचुअल से हम तो ठाकुर को आत्मनिवेदन कर दिए हैं हम, और स्मृति क्या करेंगे? अरे तुम तो आत्मनिवेदन कर दिए, अपना निवेदन कर दिए, स्पिरिचुअल से तुम दान कर दिए, तुम जो ये मैटर यूज करते हो उसके बदले ये जो धरती से पाया है खेती और तेज मनुष्य बम इसी से तो पंचभूत से तैयार है दुनिया। तो ये सारे तो भगवान का देन है। खेती बोलिए, अब बोले मरुद बोले, तेज बोले, बम बोलिए, सारे ईश्वर का कृपा है जिसकी सी जगत सृष्टि हुआ है। और ये पंचभूत से हमको जो मिलता है ये माइक का स्टैंड बोलिए, कुर्सी बोलिए, बोतल बोलिए, ये ग्लास बोलिए, जो भी बोलिए, जो कुछ हम लोग व्यवहार करते हैं ये पंचभूत से सृष्टि है। तो उसके बदले हम गवर्नमेंट का कुछ सामान यूज करते हैं तो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो क्यों नहीं भगवान के लिए हम कुछ करें? भगवान के लिए भी करना है, यही है इसको नहीं करेंगे तो दिखा क्या होता है? संजीवित नहीं रहता, दिखा बचा रहता है। ठाकुर जी जब इष्ट विधि का प्रयोग किए तो ठाकुर जी जब पढ़ते थे उस समय एक मास्टर थे, वो मास्टर ठाकुर जी से प्रभावित होकर दीक्षा लिए, और दीक्षा लेने के बाद जब ठाकुर जी इष्ट विधि का यहां चालू किए, इष्ट विधि क्रम चालू किए, तो वो बोलता कि ऐसा करने से कोई बचेगा नहीं, कोई दीक्षा नहीं देगा। ठाकुर जी बोले मानिए वो डॉक्टर थे, मरीज देखने जाते थे, बोला गांव में से कोई आया आके बोला कि डॉक्टर बाबू जाना है मरीज देखने, आप तो पहुंच गए लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, देने में रास्ता खो गया। अचानक एक आदमी आया लालटेन दिखा के आपको बोला कि कहां जाना है, आप बोले उनके घर जाना है मरीज देखने, बोले चलिए हम दिखा देते हैं। तो मरीज दिखाने ले गया, आप मरीज देखे, मरीज देखने के बाद वो आदमी तब तक इंतजार किया और फिर आपको जब निकले वही आदमी फिर वो लालटेन दिखाते दिखाते आपको रास्ते तक छोड़ दिए। और इष्ट विधि करने से ऐसा ही होता है, सरल रूप से ठाकुर जी ऐसा करते हैं। अद्भुत घटना है ये सारे का सारा बात, जो प्रश्न करता था उनके जीवन में कुछ दिन पहले ऐसा ही घटा था, ठाकुर जी ऐसा बोल दिया। यानी कि ये है रक्षा पवच, रक्षा पाने का एक स्रोत एक उपाय। हम लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके जजन जजन इष्ट विधि करते हैं, क्यों? क्योंकि हम गाज बन गए कहीं के। लेकिन छोटा जो पौधा रहता है जब हम आंगन में लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक काटी घुस देते हैं, काटी देने से वो छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन गाछ हो जाएगा उसमें काटने का जरूरत नहीं, वो खुद संभाल सकेगा।
जनरल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम का हम लोग जब तक नहीं चलेंगे तब तक हमारा कोई उन्नयन आगे कुछ नहीं होगा, कोई कार्यक्रम हमारा सिद्ध नहीं होगा, कुछ भी करने जाए वहां अधूरा अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। आप लोग देखे हैं कि गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, पहले तो बहुत होता था। हम लोग बंगला में बोलते कुलो, यानी कि एक उस वक्त तुम लोग ओडिया में क्या बोलते हो जिसे कुला, तो कुला में यदि हम सरसों का यहाँ हवा देते हैं जिसको अंग्रेजी में हुई नहीं उनको आप लोग क्या बोलते हैं जिसमें हुई नहीं उनको पाचोरी बात, और वैसा करके यदि करते हैं तो क्या होता है जो दाना है वो गिरता है सामने में और जो जिसमें दाना नहीं है वो उड़ जाता है उनको। तो नियमित रूप से ऐसा कुछ करने से वो दाने जैसे हम नजदीक में रहेंगे नहीं तो उड़ जाएंगे, कहीं उनके बिखर जाएंगे। विश्वविद्य यही रखा करता है, विश्वविद्य हमको ऐसा ही सुविधा देता है जीवन में। दाना बनता है भीतर में, दाना बन जाता है क्योंकि रोज कुछ ना कुछ मंगल कार्य होता है, महायज्ञ है, यज्ञ के लिए हवन करना नहीं है, मंत्र बोलने का दरकार नहीं है, ब्राह्मण सब पंडित सबको बुला के एक महासमारोह का जरूरत नहीं, खर्चा पाती भी कम है, यही है महायज्ञ, यही करने से हो जाएगा। कली काल में यज्ञ सीधे नहीं है बोलता है, तो यही है महायज्ञ जो पर्यटन को दे, और ये कार्यक्रम सही सलामत चले इसके लिए मैं इस बार उड़ीसा में दौड़ा। सिर्फ उड़ीसा में नहीं दौड़ा, मैं बिहार गया था वहां भी यही बात बोला, मैं त्रिपुरा गया था वही बात बोला, मैं बाबा के साथ उड़ीसा से निकल के छत्तीसगढ़ गया यही बात बोला, गुजरात गया यही बात बोला, महाराष्ट्र गया यही बात बोला, सारे का सारा करके लोग से बात बोला। यहाँ विश्वास है के एन विश्वास, कृपा निधि विश्वास यहाँ के भुवनेश्वर में रहते थे, अभी मुंबई में है, वो साक्षी है। मुंबई में जब उत्सव होता था 2-3 हजार आदमी कैसे भी हो आता था, इससे ज्यादा नहीं, वहां बड़ा बड़ा नेता भी आदमी जुटाने में बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो आम आदमी ऐसा करके नहीं जुटता है। बड़ा मैदान या पड़िया भी नहीं है, आप लोग ओडिया में पड़िया करते हैं वैसा नहीं है, कुछ कार्यक्रम के लिए उतना बड़ा बड़ा मैदान भी नहीं। यही कार्यक्रम जो कार्यक्रम हम उनको बोला उस कार्यक्रम वो लोग अपने अपने मुताबिक किया, और इतना गुरु भाई आया 15,000 से ऊपर, भीड़ चकाचक भीड़ हो गया उससे ज्यादा भीड़, तो एक शहर में ऐसा करके जमघट करना मुंबई में संभव ही नहीं है। वो शहर कुछ अलग है, उसमें बड़े बड़े लीडर महारथी भी ऐसा करके जमायत नहीं करते हैं, जैसे दिल्ली में पॉलिटिकल लीडर लोग और अन्य सब जमायत कर ले सकते हैं, कोलकाता में बड़ा मैदान है जमायत हो सकता है, मुंबई में ऐसा नहीं है, सुविधा नहीं है। क्यों नहीं है हमको मालूम है, वह अर्थ के पीछे दौड़ता है आदमी शायद, तो वो अर्थनैतिक राजधानी है, वो एक तीर्थ भी है भारत का, अर्थनैतिक तीर्थ है मुंबई, वहां ऐसा नहीं चलता, तो वहां ऐसा कर लिया वो लोग। जो कार्यक्रम से वो लोग किया वही कार्यक्रम मैं बोलने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा वही कार्यक्रम बोलूंगा। ये बोलना चाह रहा भुवनेश्वर में आपके यहाँ 92 ऋतिक है, 33 अधुर्ज है और 60 जाजक कुल मिलाकर, आपके यहाँ भुवनेश्वर शहर में 67 वार्ड है और पंचायत में ये भुवनेश्वर के यहाँ जो पंचायत है 19 ग्राम पंचायत है भुवनेश्वर। ये सारे जगह का पृष्ठविधि कैसे आता है यही मेरा सवाल था, जहां जहां गए हैं ऐसा ही सवाल किया, भुवनेश्वर में भी करें कहां जाएगा कैसे जाएगा, सारे का सारा यहां मंदिर में आएगा, एक नंबर दो नंबर ऐसा करके सारे वार्ड का इष्टविधि यहां पहुंचता है। ये 17 नंबर वार्ड में है, ये 17 नंबर वार्ड में है ये मंदिर, और बाकी 67 में 66 जो वार्ड है वहां का इष्टविधि कैसे पहुंचता है यही मेरा सवाल था। मैंने एक सलाह दी कि हर वार्ड में हम लोग एक गुरु भाई का दुकान हो, मकान हो, घर हो या केंद्र के लिए यदि जगह भी हो जो भी हो वहां हम लोग इष्टविधि संग्रहालय बनाएंगे यही मैं बोला था। उस संग्रहालय का नाम होगा सचल उपयोजना केंद्र, चाहे मेरे मोहल्ला में हो चाहे जो भी हो, ये रजिस्टर कर लेंगे मंदिर से,
हर मंदिर से गया मंदिर है आपके वहाँ रसल गुरु भी बन रहा है वहाँ कागजात का कुछ काम है वो काम खत्म होने से वो भी पब्लिक का ही मंदिर है शायद वो भी कभी खुल जाएगा लेकिन अभी कागजात का कुछ काम बाकी है उसको होना दीजिए वो अलग है लेकिन है तो मंदिर तो ये सारे सारा केंद्र मंदिर जहां जहां बिखरा हुआ ये सारे केंद्र मंदिर के माध्यम से हम लोग पहुंचाएंगे यही मैं बोला हर वार्ड में एक सत्संग उपजोजना केंद्र होगा और उपजोजना केंद्र के माध्यम से उस लोकेलिटी का सब गुरु भाई अपना स्थिति पहुंचाएंगे और सारे का सारा ग्राम पंचायत जो भुवनेश्वर में है 19 ग्राम पंचायत ये सारे ग्राम पंचायत में भी हम लोग एक एक सत्संग उपजोजना केंद्र करेंगे उस ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ जितने सारे गांव भी है रामपुर श्यामपुर मधुपुर जो भी है ये सारे गांव भी वो उस ग्राम पंचायत के अंडर में रहेगा और हर गांव में रामपुर में एक सत्संग उपजोजना केंद्र श्यामपुर में एक उपजोजना केंद्र मधुपुर में भी एक सत्संग उपजोजना केंद्र ये सारे उपजोजना केंद्र एक ग्राम पंचायत से जुड़ा रहेगा उस ग्राम पंचायत से सारे इष्टविधि मंदिर में आएगा तो इससे क्या होगा जो लोग अनियमित इष्टविधि करते थे वो उसका नियमित हो जाएगा जो लोग दिखा लेके स्थिति छोड़ रहे थे उन लोग स्थिति संगीत हो जाएगी चार बल होगा एक वार्ड में मान लीजिए किसी भुवनेश्वर में आपका कुल मिलाकर स्थिति आता है 15,000 क्या आप लोग 15,000 आदमी यहाँ है या ज्यादा है तो आप लोग का स्थिति यदि रिकॉर्ड देखिए 15,000 का स्थिति आता है फैमिली रिकॉर्ड यही तो बात है तो बात यह है हर वार्ड में हम लोग जितना गुरु भाई है उसका संख्या निर्धारण करके हम बनाए अपना मोहल्ला में कितना आदमी है हम लोग मोहल्ले में 8 परिवार है 8 परिवार से हम लोग 10 होने का कोशिश करेंगे जहां 10 परिवार है वहां 12 होने का कोशिश करेंगे हम लोग ही जाचन करेंगे हम लोग ही कार्यक्रम करेंगे हमारे मोहल्ले में हम ही लोग करेंगे ऐसा कर सकते हर जगह में ऐसा सिस्टम से हम लोग बढ़ते रहेंगे और ये जो जाचन प्रक्रिया होगा इसके लिए जरूरत होगा तो बहुत सारे लड़का है बहुत सारे के पास मोटरसाइकिल भी है दो चार पांच निकल जाओ एक एक वार्ड में जाओ उन लोग को उद्बुद्ध करो या मानो माफी से मांग करते बहुत दिनों से जरूरत होगा तो किसी भी ग्राम पंचायत में मालों का गाड़ी व्यवस्था करके वहां जाएंगे वहां का मालों को उद्बुद्ध करेंगे मालों का क्या क्षमता है महा क्षमता है मालों कभी भी किसी घर के भीतर घुस सकते हैं रसोई तक चले जा सकते हैं ये ज्यादा लोग से संभव नहीं मालों एकदम अंदर तक चले जाते मानो कोई भी काम शुरुआत कर देते हैं कैसा घर में दोपहर में ज्यादातर मालों का रसोई पास समझ खत्म होने के बाद वो लोग फ्री हो जाते हैं उस समय क्या करेंगे उस समय निकल जाएंगे किसी अधिकृत घर का टारगेट कीजिए इनका घर में बहुत अच्छा आदमी है चलो उनके घर में जाते हैं उनसे आलाप करो दो चार बात हुआ अंदर गए ठाकुर जी का चर्चा हुआ ऐसा करते करते फिर जरूरत होगा तो शाम को रात को या सुबह को कोई लड़का दादा सबको भेज देंगे उस परिवार में फिर ठोकर मारेगा दो तीन दिन ऐसे ठोकर चलने पर वो परिवार जब राजी हो जाएगा दिखा के लिए तो आगे बढ़े हम लोग ऋतिक यादव को फोन कर सकते हैं सारे ऋतिक यादव का नंबर हम लोग लिख के रख सकते हैं जिनका जिनका जरूरत है दादा यहाँ दिखा रेडी होंगे आप चले आइए व्हाट्सएप वो दादा यदि संभव नहीं होगा तो बोलेगा मंगलवार को जा रहे हैं तुम्हारा वहां या 4 तारीख को जाएंगे या 5 तारीख को एक टारगेट भी हो गया मेरा टाइम का भी पाबंदी नहीं रहा या ऋतु का कमी नहीं है सारे का सारा मौजूद है यही कार्यक्रम मैंने सारा उड़ीसा में बोलते गया मैं पागल नहीं हूं जो नया की बात बोलने जाऊंगा इसके पीछे भी एक कारण था इसके पीछे भी युक्ति था कि जजन जजन स्थिति परायण होंगे आदमी चलेंगे हम ये बात का भी जिक्र किया कि कभी कभी यहां सभा भी होता है तो बहुत बिना के वक्ता सब होता है विश्व में जितना नजर अधिकार है ये सत्ता फैल जाएगा ठाकुर जी का बात बोल के कभी कभी बहुत भाव गंभीर होकर बोलता है हम लोग भी गदगद होकर सुनते हैं हाँ विश्व में सारे नगर में ये सत्तम फैल जाएगा अरे मेरे बाजू में ही तो सत्तम नहीं सुना है तो मैं क्या विश्व का बात सुनूं तो हम लोग भुवनेश्वर से स्टार्ट कर सकते हैं ये शुरुआत भुवनेश्वर से हो जाएगा भुवनेश्वर कोई भी मोहल्ला नहीं या ठाकुर जी का नाम नहीं हो नहीं गुजरता है ऐसा कर सकते ठाकुर जी से पूछे ठाकुर जी आप तो स्वयं पुरुषोत्तम है भगवान है आपके लिए जाजन भाजन करने का जरूरत क्या है ठाकुर जी से पूछा ठाकुर जी बोल रहे हैं फूल खिलने से उसमें महक निकलेगा लेकिन उस पर से यदि हवा गुजरेगा तभी निकलेगा ऐसे नहीं निकलेगा तो ये हम लोग हवा का धोखा है
यदि हम लोग जागरण आदि नहीं करेंगे तो मेहनत करेगा नहीं कौन? ठाकुर वो तो कोई भी है। ये कितने बाबा साहब पकड़ा गया ना आप लोग यहाँ, उस हद तक ठाकुर जी का कंपेयर करना शुरू करें, वो भी एक बाबा है ये भी एक बाबा है, ऐसे हो सकता है? वैसे ही हम बोल रहे हैं, ये मजाक की बात नहीं, किसी को अश्रद्धा नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं। ठाकुर जी का घर दरबार कैसा था? ठाकुर जी का घर 24 घंटा खुला रहता था, 24 घंटा। उनके बाथरूम भी खुला नहीं, बाथरूम में जाते थे पीछे पीछे भक्त भी, जो लोग सेवक थे वो उधर अंदर तक जा सकते थे। हम लोग आबरू रखते हैं, घर में दरवाजा बंद होता है, छुपा छुपी होता है, ठाकुर जी का कोई छुपा छुपी नहीं। यही है पुरुषोत्तम पहला निशान। खाने बैठे हैं, कोई भक्त आया है उसको बराबर का भोजन देते हैं, यही निशान। ठाकुर जी का लीला सुनिएगा, कोई भक्त चल के आया बहुत दूर से, ठाकुर जी तभी जीवा वो आदमी आया इतना दूर से आया उसका पैर दबा रहे हैं, हम लोग तो किसी के पैर तक झुकने में भी शर्म आएंगे, अरे हम इतनी ज्यादा है, हम कितनी ज्यादा है, हम कितना बड़ा महान चीज है, ऐसा बोलते हैं। और ठाकुर जी वही भक्त का पूरा पैर में कादा किचड़ा लगा हुआ उसको पैर दबा रहा है, बोल तू बहुत थकान से आया। ये कलकत्ता के पास गंगा में नहाने गए, वो भक्त सब उनके साथ गए हैं, ठाकुर जी क्या किए, ठाकुर जी सबके हाथ से सबका माथा में शरीर में तेल लगाते गए और बोले चलो गंगा में कूदो। इतना प्रेम, इतना प्रेम है तब परम दयाल होता है, तब परम दयाल होता है। बरक किए हैं हम लोग सर्वत्र बरक किए, हर अवस्था में उनको बरक किए, तब जाकर विश्वास कर रहा है हाँ ये कर सकते हैं, इनसे संभव है ये कर सकते हैं। ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी आप तो बोल सकते थे ऐसा करने से होता हो ऐसा करने से होता, बहुत सारे बात हो रहा ये सारे कर्मी लोग से नहीं होगा, इससे नहीं होना ने कहा। ठाकुर जी बोल रहे हैं कर्मी लोग पर कितना आशा व्यक्त कर रहे हैं, हम सब पर कितना आशा व्यक्त कर रहे हैं। ठाकुर जी वो जो छिदा हुआ पात्र है उसमें हम पानी डालते जाते हैं, पानी डालते जाते हैं, कभी मैला कपड़ा यदि कंकर लगा के वो छेद बंद हो जाए खुद बंद, इतना आशा रखते हैं आप पर, इतना आशा वो उम्मीद रखते हैं आप पर, हमसे क्या संभव है, हमसे क्या संभव है, हम तो एक मनुष्य है तो हमसे कुछ नहीं होगा, मैं ईश्वर का संतान हूं मुझसे होगा तब होगा, मैं ईश्वर आपका संतान हूं तब होगा, क्योंकि ईश्वर आप हमसे अलग नहीं है, आप हमको आपके जैसा ही बनाए हैं। अर्जुन से कृष्ण से सवाल हो रहा है, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मुझे याद है पिछले सारे जन्म का कथा याद है तुमको याद नहीं है, हम नारायण और तू नर रूप से बार बार पैदा हुआ, मुझे सारे का सारा जन्म का वृत्तांत याद है, याद नहीं, हम मनुष्य भूल जाते हैं, पाते हैं भूल जाते हैं, पाते हैं भूल जाते हैं, अद्भुत घटना है, हम लोग भूलने का एक बीमारी जैसा है माना है। और कुछ यदि हमको पीछे में 20-25 आदमी खड़ा हो जाता है तो सीना टान हो जाता है कि हम कितना बड़ा बन गए, कितना महान बन गए, विनम्रता हमारा शरीर से पहले ही जाता है। ठाकुर के जगत में हम देखे हैं, हम खुद हम ठाकुर जी का रक्त बाही एक मनुष्य है, मैं ये दवा के साथ बताऊं मनुष्य होकर रहना ही इस जगह का सबसे बड़ा कठिन बात है। हम ठाकुर लेके चलेंगे सलाम मारेगा प्रणाम करेगा सैकड़ों आदमी झुकेगा, और मेरे मन में लगेगा ऐसा होना चाहिए कि सब ठाकुर आपके लिए होता, ये सब मेरे लिए बेकार है, मैं तुच्छ हूं, ये भावना जगा के रखना ही सबसे बड़ा साधन है इस जगह का। तू कौन है रे, तू किसका बेटा है रे, ऐसा बोलने का स्वभाव आ जाता है थोड़ा सा क्षमता आने से। मैं यही कार्यक्रम लेके घूमा था, ये कार्यक्रम मैं फालतू नहीं किया, क्यों किया ये भी बोल रहा हूं, ये राजधानी शहर है इसलिए यही बोलना जरूरी है, ये बोलना जरूरी यही है और कहीं नहीं। ठाकुर जी का यहां आगमन हुआ था उड़ीसा में और उसके 7 साल गुजरने वाला है 2022। मैं चाह रहा हूं 2 साल में ये कार्यक्रम जो हम कर्मी लोग के भीतर में बोल के आए हैं चारों ओर खलबली मच, चारों ओर ये खलबली मचना जरूरी है पूरा उड़ीसा में, और तब जाकर वो उत्सव कर सकता है।
वो पुरी का उत्सव बना दिए हैं हम लोग। उत्तर आगमनी उत्सव अभी पुरी का उत्सव है, एकदम हम बोलते हैं, हम बाबा जी सत्संग का एडमिनिस्ट्रेटर ये बोलते हैं वो पुरी उत्सव बन गया है सर। ठाकुर जी का आगमनी उत्सव वो सारा उत्तर देश का उत्सव नहीं है, जब पुरी का और वहां घूम के मिलके वो उत्सव बनता है, वो महोत्सव नहीं है। क्योंकि हम तो सबको प्रेरणा दे नहीं पा रहे, सारे उत्तर को वहां इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, चंद पूरी और वो ओरिएंटेड जितना वर्कर है उसका उत्सव होगा। लेकिन मेरा कहना है 2022 वाला उत्सव ऐसा मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, ना पूरी वाला, ना भुवनेश्वर वाले, ना कटक वाले, ना ऑल ओडिशा के कई जगह का, ये कंधमाल वाले, देवघर वाले, जो भी बोलिए, चाहे जहां मैं बोला सारे का सारा था, ये ठाकुर जी यहां आके उत्कल भूमि ये उत्सव ऐसा ही होना चाहिए। और मैं जो बात बोला इस बात से क्या होगा, सारे ग्राम पंचायत, सारे गांव, सारे नगर में खलबली रहता है। और दो साल के बीच में ये यदि जागरूक एक स्तर में पहुंच गया तो उसके बाद दो साल में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, इसलिए हम मेरा ये बात है। और वो उत्सव मैं आप यहाँ सब उड़ीसा के बहुत सारे कर्मी हैं आज बोल रहे हैं, वो उत्सव के लिए आप लोग आग्रह कीजिए, देवघर में अकाउंट खुला है वो उत्सव सेंट्रली कीजिए, ऐसा करके कीजिए जिसमें कोई सवाल नहीं उठे, ऐसा करके कीजिए जिसमें सबको इन्वॉल्व हो जाए। मेरा छवि देने के लिए मैं उत्सव नहीं बोल रहा हूं, बड़ौदा का सेंटिनरी हुआ था संयोग से, कभी हमको वहां सारा का सारा बीमार पड़ गए, हम वहां कार्यक्रम में थे, मैं क्या किया उत्सव के समय एकदम एक जगह छुप के बैठा रहा, खाली फोन रखा, सारे का सारा काम सारे लड़का कर रहे थे, जितने सारे जमा है सब अपने तरीके से कर रहे हैं, हम कहीं भी नाक नहीं लगाया, एक भी फोन नहीं किए किसी को फोन नहीं किए। हम निकलते थे कब, रात को 12 बजे 1 बजे के बाद हम धीरे धीरे निकलते थे, हर पैनल में जाकर वहां का सब लड़का से पूछते कैसा है कैसा है, रात भर हम टिकट पैनल घूमते थे, जहां बस पार्किंग है वहां जाते थे, क्योंकि दिन में हमका निकलना संभव नहीं था, इतना दिन में मैं कहां निकलूंगा, वहां जहां मैं जाऊंगा वहां भी भीड़ जाएगा, कुछ उसमें असुविधा होगा, मैं कहीं नहीं निकल, बोर्डा का सेंटर नहीं, हम घर पे रह रहे, ये मेरा उत्सव। और उत्सव का अर्थ भाग में आके सिर्फ नवंबर का 22-23 तारीख से हम खुदा उस उत्सव के भीतर, और उसके पहले नहीं, मैं यही किया था, मैं बोलता हूं ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले बेहतरीन काज क्या है, छोड़ दे। मैं आ रहा था, आने के समय एक हादसा हुआ, मैं क्या कर सकता था, डांट सकता था, पीट सकता था या गुस्सा दिखा सकता था, तो हाँ हादसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे हाथ में नहीं हुआ, तो हम किसी को डांट सकते, लेकिन जो कर रहा है वो मेरा अंश है, वो मेरे ही प्रतिनिधि है, मैं जो कर सकता था वही प्रतिनिधित्व कर रहा है मेरे, तो मैं उसको चाहे छोड़ूंगा, उसको अंत तक नहीं दे दूंगा, ये मेरा काम है, किसी के दर्श से नहीं, मेरा दर्श से, मैं ऐसा समझता हूं। कार्यक्रम ऐसा कीजिए, सबको कीजिए, अपना अपना क्षेत्र में कीजिए, अपना अपना मोहल्ला में कीजिए, अपना अपना जहां जहां आप लोग का परिवार वाले परिजन वाले सबको जगह में यही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको जगह नहरन इसी विधि में करना है, मेरे यहां माहौल को बनाना है। मैं जिस रस्ते में रहता हूं इस रस्ते में दो गुरुआई है, उसको नाम है पान दुकान वाला, एक हम मकान वाला, वो पान दुकान वाला मैं मकान वाला मैं फर्क करता हूँ, उसमें पान दुकान है तो छोटा आदमी, मैं इतने बड़ा मकान में रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, वो पान दुकान से भी भाव करता, चलो तुम्हारे लेख वाला आदमी दिखा, मैं भी अपना लेख वाला दिखाता, सब मिलकर एक दूसरे से कीजिए बहुत शौक जी, क्योंकि ये ठाकुर जी का जगह है, मेरा कितना है, मैं कितना ऊंचा कर सकता हूं, मेरे पीछे कितना आदमी दौड़ता है, मुझे कितना सलामी मिलता है, कितना प्रणाम मिलता है, ये सब छोड़िए, ये सब जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात है मैं ठाकुर आपसे प्रेम करता हूं, नहीं ठाकुर आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसे कोई मतलब नहीं, हम बहुत सारे वक्तृता भी सुने हैं, बहुत सारे महारथी का ठाकुर जी हमको इतना प्रेम करते थे, ठाकुर जी हमको ये करते थे, वो क्या मतलब रखता है, मैं ठाकुर आपसे प्रेम करता हूं कि नहीं वो मालूम करना जरूरी है, मैं आपको प्रेम करता हूं कि नहीं यही मालूम है,
और आपसे प्रेम करता हूं इसलिए सबसे प्रेम कर सकता हूं। आज दिखा दे रहा था तो जल रहा था वहां थोड़ा सा किसी किसी कर रहा था उधर उधर कर रहा था तो बात नहीं। अभी तक मेरे मन में खटक रहा तो वो लड़का दोनों का क्या होगा, वो लड़का दोनों के लिए आज दिन भर खटकेगा कल भी खटकेगा तो बांटना पड़ा नहीं तो सब वहां हल्ला हो जाए। कहां गया उनका क्या हुआ, वो क्या समझ के आया था और डांट भी खाया तो खाया लेकिन वो लोग बाद में फिर क्रम को रखेगा कि नहीं, इसके लिए मेरे मन दुखी थे। फिर भी मैं आप लोग सब उपस्थित हैं इसलिए मैं बोलू अच्छा चीज में मन आनंदित हो जाता, बुरा चीज में मन दुखी हो जाता। मैं बुरा काम किया लेकिन उपाय नहीं था, सबको डिस्टर्ब कर रहा था लोकेशन, लेकिन मेरा बुद्धि से और कुछ नहीं आया। अच्छा की जगह हम डांट दिए वो ठीक नहीं रहा, हमको लगा कि ठीक नहीं होगा। जो भी है मेरे ऊपर कोई गुस्सा भी नहीं था लेकिन गुस्सा दिखाते हैं कभी कभी मैं क्योंकि रामकृष्ण देव का एक कथा में ऐसा पढ़ा था, एक साधु ने एक सांप को बोला तू दसना बंद कर दे, तो सांप ने दसना बंद कर दिया तो बच्चा से उसको देख देख के पत्थर मारा तो उसका शरीर चितर चितर जब हो गया तो आखिर साधु को बताया देखिए मेरा शरीर सब चितर चितर हो आप दसने मना किए। तो रामकृष्ण देव का कथा में ऐसा है हम दसने मना किया लेकिन फोर्स करने तो मना नहीं किए, हम दसे नहीं लेकिन बीच बीच में फोर्स करना हो जाता है। ठीक है आज प्रसाद कैसा हुआ था आप लोग का क्या क्या है दलिया? हाँ दलिया में बहुत सुविधा है, हम जहाँ देख रहे हैं दलिया में क्या है सब माँ लोग दादा लोग भाई लोग व्यवहार कर सकते हैं, हाथों हाथ दे सकते हैं। प्रसाद का यदि डब्बा कारण हो जाए तो और भी अच्छा है, डब्बा में बंद हो जाए। कोलकाता का हम देखे हैं वहां तो शहरी क्षेत्र है तो कोलकाता के भीतर में उत्सव करना मुश्किल होता है, तो हम देखे वहां डब्बा कर दिया और एक छोटा सा चम्मच भी उसमें सैनिटाइजर से लगा दिया। तो क्या हुआ तो चम्मच से जब खाएगा हाथ धोने के लिए पानी नहीं चाहिए, खाने के बाद हाथ धोने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए हो जाएगा तो जल खर्चा भी कम होगा, यही समझ के वो लोग ऐसा किया था। तो जैसा जैसा सुविधा है हम लोग, लेकिन आपके यहाँ जैसा सर देख रहे हैं तो डब्बा होगा तो नीचे का डब्बा धस जाएगा हमको लगता है ऐसा कि पहाड़ चाहिए क्योंकि ये तो शाम का वक्त है, शायद दिन में भी और भी ज्यादा भीड़ होता है, आनंद नगर का समय तो जनरल से ज्यादा। हम सबसे सपना देखता है कि उत्सव हम लोग का मंदिर प्रांगण छोड़ के बाहर कहीं हो, हम सबसे में सपना देखता है शहर का सबसे बड़ा परिवार मैदान जो है उसमें हम लोग का उत्सव हो, हम सबसे में सपना देखता है कि छोटे छोटे कार्यक्रम उत्सव में घेरा करके हो कि खाली वो स्टेज में दो आदमी उठेगा मंच में उठ के गुरु गंभीर होकर भक्ति कर देगा तो ऐसा करने से क्या फायदा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सब समय आनंद का माहौल हो खुशी का माहौल हो। अचानक का एक घटना है हमारे यहाँ एक ऋतिक दादा, दो ऋतिक दादा थे असम में, एक का नाम था आनंद दादा वो मर गए हैं, दूसरा है दानू दादा वो भी मर गए, बहुत प्रेम करते थे हम लोग से, हम लोग जब छोटे थे कंधे में उठा के भी चलते थे ऐसा भी होता, हम बहुत छोटे थे दानू दादा नौकरी छोड़ने के लिए हमको बैठा के पूछा बाबा नौकरी छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ना चाहता मैं बहुत छोटा बोलने वाला भी नहीं हूं तो मैं पहले हंसा फिर रो दिया, तो दानू दा सोचा कि क्या करना है नौकरी छोड़ना है कि नहीं, आनंद दा से पूछा है बाबा बाबा का बैठा के पूछा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ तो बाबा पहले हंसे फिर रो दिए, तो क्या तात्पर्य है आनंद दा बहुत मजा की आदमी था, बोला कि तुम्हारा ये सद्भावना से वो हंसे और तुम्हारा बाप में जो हालत होगा वो समझ के रो दीजिए ऐसा करा। तो एक बात है दानू दा का पैर में सूजन हुआ करता है, कौन कैसे बोला बोल कौन को वो कौन होता है ना पैर के नीचे क्या बोलता है अच्छा
हसवा किया होता है तो बोलता ये शायद और दूसरे बोला तो हमको क्योंकि उड़ीसा में पौड़ा और नाव में इतना होता है कि वो कैसे बोला यहाँ दूसरे गुजर रहा है। तो दादा आनंद दादा गाड़ी में बैठे हैं, बाबा गाड़ी चला के जा रहे हैं। तो आंसू बोल के एक जगह है, वो एक जंगल के किनारे थोड़ा थोड़ा जगह गुवाहाटी के बाहर थोड़ा सा बाहर जस्ट पेरी पेरी। तो बाबा गाड़ी चला के जा रहे थे आचार्य, तो जाते जाते देखे कि वहां हम लोग लाल बोलते हैं है? तो वो एक घर के ऊपर में पड़ा हुआ है, बहुत सारे लाल है। वो सब लाल देखे बाबा बोले या तो वो सब लाल उठा के लाओ चोरी करके लाओ। तो आचार्य बैठे हैं गाड़ी में, तो दोनों उतर गए। तो दोनों उधर जाने के बाद दादादार आनंददार गए तो लाल को पकड़े। जैसे लाल को पकड़े आचार्य देव अचानक हॉर्न बजा के बोले चोर चोर चोर। तो ये दोनों दौड़ना शुरू किए, दौड़ते दौड़ते आगे और आचार्य देव गाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और हंस रहे हैं वो। और ये दोनों दौड़ते 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 गाड़ी में आगे बैठे। तो गाड़ी में बैठे आचार्य देव हंस रहे, ये दोनों भी हंस रहा। ये तो एक मजाकी सिचुएशन था, तो हंस रहे हैं बहुत मजाक कर रहे हैं। फिर बोला लाल लाए हैं, आनंद का बोलते हम लाया और दादा का बोलते तू है और नहीं लाया कहो फिर से लाओ। आकाशवाणी का एडिटर थे हमेशा काकोदी, हमेशा था काकोदी था। एक जगह पे काम करते थे, दफ्तर में बहुत सारा सामान मिलता था, कागज वगैरह मिलता था। तो बाबा आचार्य ने एक दिन काकोदी दा को, हम लोग तब छोटे थे, काकोदी दा को जायजा किया है, काकोदी दा आपका दफ्तर में क्या क्या मिलता है? बोले ये सब मिलता है, वो सब मिलता है, कागज मिलता है। अरे कागज ले आइए, हम लोग का तो बहुत पत्रिका छपाना है। तो काकोदी दा अभी से कैसा करके बहुत चोरी छुपे बहुत बड़ा बड़ा दो बाल्टी कागज लेके मंदिर में आया। आगे चुपचाप बाबा को बताया, आगे कागज लिए किसे कागज कौन चीज का कागज है? बोले आपने बोला था वो दफ्तर से चोरी। अरे चोरी का कमाल मंदिर में नहीं घुसेगा, भगाओ ऑफिस में देखा ही है। बोले कैसे जब कह दूंगा ठाकुर जी देखा थरथरा से रुक गया, क्योंकि आचार्य देव बोला कि चोरी करके जब लाया इसको जाकर फिर दफ्तर में घुसा। अब चोरी जगह से किया वहां फिर घुसाएगा कैसे? वो तो एकदम कब कुप्पा लग गया। अब आचार्य देव को बोलते हमको तो बात बोलिए कैसे करेगा। तो बाद में आचार्य देव बुद्धि दी, अगले दिन रिक्शा से वो कागज से लेके सीधा सीधा दफ्तर में घुसे। एकदम काकोदी ने वैसा ही किया, सीधा सीधा दफ्तर में घुसे। ये तो मजाक का एक काम था, वो खुद कर दिए वो भी कर लिया और करने के बाद आया कहा चोरी किया अब जाके लौटा। तो ये तो एक मजाक का परिस्थिति बन गया। और हुआ क्या, काकोदी को बोला ये कागज लौटाना है। काकोदी तो जैसा लौटना शुरू कैसे लौटाओ, जहां से चोरी किया हो आप तो पकड़ के हमको एकदम निकाल देगा ऑफिस से, एकदम रिक्शा में बैठा के सबके सामने से घुसाइए। तो काकोदी वैसा ही किया, ऑफिस के सबके सामने से दरवाजा सबके सामने से कागज का बांडी लेते हुए घुसा। जाके बोलता है एकदम बरो बाबू का चेम्बर में जाओ। बरो बाबू के चेम्बर में गए, कागज का बांडी लेके टेबल पे रख दिया। बरो बाबू क्या था? तो देखिए दफ्तर में चोरी होता है, ओ ये चोरी का सामान मैं कल लेके गया और लौटा के दिखा दिया कि यहाँ से चोरी हो सकता है। अभी आप इसके लिए सावधान हो जाइए, देखिए कैसा मजा है। बोले एक हिसाब से बोल रहे चोरी करो, दूसरे हिसाब से लौटाने का भी कहना कैसा होगा वो भी बोल रहे हैं। एक आदमी का मुकाम ऐसा टैक्स देने के लिए है, टैक्स किया क्या क्या हुआ। वो आदमी बहुत परेशान होकर आचार्य देव को बोलता दादा हम क्या करें? बोला एकदम फटा हुआ फूटा हुआ गमछा बांध के कोर्ट में जाइए। तो वही आदमी खाली बदन गमछा बांध के चला गया कोर्ट में। तो जहां उसका हाथ देखे बोला अरे इसको इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा, घुमाओ घुमाओ बोले उसे टैक्स क्यों गया। तो ऐसा भी हो सकता है, आचार्य देव इतना रंगीन आदमी है क्यों? क्योंकि वो भद्र आदमी। भद्र आदमी किसको कहते हैं? हम अभी बोल के आए हैं एक जगह भद्र मतलब जहां आमोद है प्रीति है कल्याण है, वही है भद्र। चुपचाप बैठे रहेगा, आनंद नहीं है, मन में पीछे लगना नहीं है, ताना नहीं देता है, मजाक नहीं कर सकता है, तो वो भद्र आदमी कैसे? भद्र आदमी को आमोद प्रीति कल्याण ये तीन चीज होना चाहिए।
तब वो भर रहा है। चुपचाप गुरु गंभीर होकर बैठे रहते हैं, एकदम बैठे तो घर में तो कम से कम स्पॉन्डलाइटिस हो जाएगा ऐसा करते। अभी सब कोई हमको बाबा जा बोलता है तो हम ऐसा ही, हम भी बाबा का ही संतान हूं, मैं भी थोड़ा बहुत मजाक कर लेता था कभी कभी। वो सब गुरुनायक नहीं है, वो सब खैर छोड़ दीजिए। अभी थोड़ा सा गंभीर हुआ हूँ क्योंकि उम्र भी बढ़ रहा है, इससे ज्यादा हंसी मजाक करना ठीक नहीं होगा हमारे लिए। देखिए यहाँ आए बहुत आनंद किए, हंसी किए, मजाक किए, सारा का सारा रहा, लेकिन काम से ध्यान मत हटाइए। मैं एक काम बोला कि भुवनेश्वर हर गली में, हर मोहल्ले में जितना हम लोग गुरु भाई है, आप लोग टारगेट कीजिए अपना अपना मोहल्ला, उस मामले में जितना गुरु भाई उसे संख्या वृद्धि करेंगे। जो लोग इष्ट विधि छोड़ा है उसको लोकेट कीजिए, उसको इष्ट विधि कराइए, जैसे नारायण कीजिए, आप लोग वहां कार्यक्रम करते रहिए। हर ग्राम पंचायत जो है, यहाँ विस्तार से नहीं बोल रहा है, ये शहर का, ये देश का राजधानी है, ऐसा कुछ छात्र है, चतुर है, वो समझ जाएंगे। हर गांव पंचायत में, हर ग्राम में ऐसा करना, ऐसा करके होगा तो काम बनेगा। अभी रात हो चुका है, मैं भी बहुत दूर दूर के दौड़ते हुए आया हूँ, बात करते रहेंगे तो हम रात भर में बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी घर जाना है, रात का शायद आनंद मजा रहता भला नहीं होगा, रसोई बात भी घर में जाकर कुछ करना है, नहीं तो चाय बिस्कुट कॉफी पी के आगे सोना पड़ेगा। अच्छा होता है आनंद मजा है, लेकिन इतना जोर से नहीं बोल रहा है, ज्यादातर आज क्या बोलता है, अधिक भजन पड़े जा रहा है, उड़िया उड़िया में वो पानी क्या बोलते हैं, अधिक भजन, हाँ उड़िया में यही बोलते हैं। एक गुवाहाटी में उत्सव हो रहा था तो कलेक्शन बहुत कम हुआ, तो बाबा कभी नहीं गए हैं, तो वहां रविन्द्र बोल के थे, बहुत आधिक युग का है, तो आनंद बजा का जब समय हुआ माइक में अनाउंस हो रहा था, अधिक भोजन करे ही जा रहा है, धोखे धोखे मरे ही जा रहा है, ज्यादा आदमी नहीं खाए, थोड़े कम कम करके प्रसाद मिले, तो कलेक्शन कम हुआ है, आनंद बजार में प्रसाद भी कम बना है, तब अनाउंस ऐसा होना चाहिए, अधिक भोजन करे ही जा रहा, धोखे धोखे मरे ही जा रहा। तो आप लोग का आज्ञा अनुमति होने से हम घर के और जाएंगे, कल यहाँ सस्ता नहीं देखे फिर निकल जाएंगे, ठीक है, जय गुरु। साइड जगह आगे पे लेंगे जो साइड जगह जैसा मतलब Thank you.
Joy Uru, brothers and mothers, please subscribe our Satu News RN YouTube channel.